नमस्कार, यह रेसिपी वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आलू चाट बनाना सिखाएंगे। आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को छोटा छोटा काट लेंगे। हमने इसी तरह से सभी आलूओं को काट लिया है। अब एक पैन में तेल डालें और इसे मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रखें। पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करें। तेल के गर्म हो जाने के बाद पैन में कटे हुए उबले आलूओं को डालें। आप चाहें तो आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इन्हें बीच बीच में उलटते पलटते रहें ताकि आलू सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। आलूओं को सुनहरी रंगत आने तक तलें। आलू पक चुके हैं, इसलिए अब हम आंच को बंद कर देंगे। चाट बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके बाद हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, हरे धनिए की चटनी। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं इसे कैसे बनाएं। और इमली की चटनी डालकर सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें तले हुए आलूओं को भी डाल देंगे और एक बार फिर से सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से दही। हरे धनिए की चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला पाउडर और अंत में थोड़ा सा नमक व लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे परोसेंगे। स्वादिष्ट आलू चाट बनकर तैयार है। इसे ऐसे ही खाएं। मटर कचौरी बनाना सिखाएंगे। मटर कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा बनाएं। सबसे पहले हम एक बोल में मैदा लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, अजवाइन और 5 छोटे चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें मोयन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि अगर हम इसे मुट्ठी में लें तो यह बंद जाए, जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। अब इसमें धीरे धीरे करके आवश्यकता अनुसार पानी डालें और इसका पूरी जैसा आटा गूंध लें इस तरह से। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रखें। इसी दौरान हम कचौरी की भरावन बनाएं। भरावन बनाने के लिए सबसे पहले हम तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर इसे मध्यम आंच पर गर्म करेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद अब इसमें जीरा डालेंगे और इसे सुनहरी रंगत आने तक भून लेंगे। जीरे के भून जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें अदरक डालकर सभी सामग्रियों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लें ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। प्याज अदरक के भून जाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, सौंफ पाउडर और गरम मसाला डालकर सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें उबले हुए मटर और उबला व मसला हुआ आलू डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिला लें और बीच बीच में थोड़ा सा मसलते रहें। इसके बाद इसमें किशमिश व काजू डालें और फिर से सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अंत में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर आंच को बंद कर दें।
अब इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर तेल गर्म होने के लिए रखें और मैदे को तेल से चिकना कर लें, जिससे वह ना तो सूखेगा और ना ही चिपकेगा। इसके बाद इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लें इस तरह से। ये देखिए पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े में पेड़े को लें और उसे उंगलियों की सहायता से फैला लें। अब इसमें भरावन भरें और किनारों को इकट्ठा करते हुए इसे बंद कर लें। भरावन भरने के बाद इसे हल्के हाथ से दबा दें ताकि इसके किनारे खुले ना, और इसी तरह से सभी कचौरियों को मिलाकर तैयार कर लें। तेल के तेज गर्म हो जाने के बाद आंच को बिल्कुल धीमा कर दें, फिर एक एक करके कचौरियों को कढ़ाई में डालते जाएं। कचौरियों को धीमी आंच पर ही तलें, तभी वह खस्ता व करारी बनेंगी और इन्हें बीच बीच में उलटते पलटते रहें। कचौरियों को सुनहरा भूरा होने तक तलें, जिसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे। कचौरियाँ सुनहरी भूरी हो चुकी हैं। अब आंच को बंद करके इन्हें प्लेट में निकाल लें। कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। कचौरियाँ बनकर तैयार हैं, इन्हें गर्मा गर्म परोसे भरवा बेसन की कचौरी बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम मैदा में तेल डालेंगे और अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये हमने आधा चम्मच डाला है, क्योंकि मिश्रण में भी नमक डलेगा तो इसलिए इसमें कम मात्रा डालेंगे। अब इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन डाल के इसे अच्छी तरह से सभी सामग्रियों को मिला लेंगे। इसमें हमने तेल उतनी ही मात्रा में डालना है जितना कि आप इसकी एक लोई बना सकें, वो भी सूखे मिश्रण की। लोई बन जाती है तो इसका मतलब है आपकी मोयन की मात्रा इसमें पर्याप्त है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, उतनी मात्रा में डालना है, मतलब कम से कम डालना है ताकि आटा गूंज सके और एक सख्त डो या लोई बन जाए। अब हम इसमें तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल के गर्म होने पर इसमें हम बेसन डालेंगे और इसे कम आंच पर अच्छी तरह भून लेंगे, जब तक कि ये सुनहरा भूरा नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी सुगंध नहीं आ जाती, तब तक ये हमने इसे भूनना है। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये भून चुका है। अब हम इसमें हींग डालेंगे, उसके बाद इसमें पिसा हुआ दरदरा जीरा या पाउडर डाला है, फिर अब हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल ली है और इन सभी सामग्रियों को अच्छे से अच्छी तरह मिला लेंगे। और अब हमने इसमें जो है दरदरी पिसी हुई सौंफ का पाउडर डाला है। अब हम इसमें दरदरा पिसा धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अब हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी मात्रा कम रखेंगे काली मिर्च की। और इसमें हमने अमचूर पाउडर डाला। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और उसे अच्छी तरह से इन सभी सामग्रियों को मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और इन सभी सामग्रियों को फिर से एक बार मिला लेंगे। और हम चीनी डालते समय आपको आंच को बंद कर देना है, नहीं तो चीनी जो है पिघलनी शुरू हो जाएगी और मसाला गीला हो जाएगा। और इसी के साथ हमने इसमें यहाँ पर किशमिश डाल दी है और इन सामग्रियों को अच्छी तरह डाल के मिला लेंगे कि जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से पूरी तरह जज्ब ना हो जाए तब तक हमने इसे मिलाना है और इसे ठंडा करके रखना है और कम से कम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आटा बना लेंगे। उसके लिए हम जो है एक आटे की लोई बनाएंगे और उसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमने,
ये हमने कचौरी के लिए बनाना है तो थोड़ा मोटा रखेंगे। और ये हमने बेल लिया, अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ से किनारों को दबा देंगे और इसे फैला लेंगे ताकि एक जैसी मोटाई की कचौरी बने। अब इसमें हम बरावन भरेंगे और हमने इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी, थोड़ी थोड़ी बरावन भरेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी मात्रा। और सभी किनारों को इकट्ठा लेते हुए हम इसकी दोबारा से लोई बना लेंगे और इसको गोल आकार दे देंगे इस तरह से, ताकि इसमें से मसाला बाहर ना निकले। हल्का सा दबाएंगे हथेलियों की सहायता से। और अब चाहे तो आप हथेली से बेल सीधे डाल सकते हैं कढ़ाई में, या फिर बेलन से बेल सकते हैं। ये देखिए हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक तरफ रखेंगे और इसी तरह से बाकी की कचौरियाँ भी तैयार कर लेंगे। कचौरियाँ बनने के बाद हम तेल को गरम करेंगे कम आँच पर, और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें सभी कचौरियों को डाल के पका लेंगे। और हमने तब तक इसे पकाते रहना है और पलटते रहना है जब तक ये सुनहरी भूरी नहीं हो जाती दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अभी हमने इसे और भूनना है, ये हमारे सुनहरी भूरी नहीं हुई है, इसमें हल्के से रंगत आई है, तो इसे मैं अभी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। अब देखिए जैसे कि हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं, अब हम गैस को बंद करेंगे और सभी कचौरियों को एक टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं आप और इसे बाहर निकालेंगे। हमारी भरवा बेसन की कचौरियाँ बनकर तैयार हैं।